अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक फ़ोटो सेल डिवाइस के मुतालिक इंफॉर्मेशन देंगे। जिस तरह के ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि EFTR KL कंपनी का एक फ़ोटो सेल डिवाइस है, लाइन न्यूट्रल है, G12 पे फोटो सेंसर है, ये इसकी कॉयल है और ये इसका कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट आप 5 एम्पीयर 220 वोल्ट AC के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका फ्रंट व्यू अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्लियर करते हैं। ये देख सकते हैं G12 पे आपने फोटो सेंसर लगाना है, ये एक और दो इसका कॉन्टैक्ट है, ये देख रहे हैं आप ओपन कॉन्टैक्ट है नॉर्मली। ये न्यूट्रल आपने यहाँ पे देनी है, ये पावर के लिए, ये इसका कॉन्टैक्ट है और लाइन L1 पे आपने लाइन सप्लाई देनी है इसकी। और ये इसका टाइमर का एडजस्टमेंट है, ये साइड से देख लें आप। इसके यहाँ पे आपने केबल्स इंसर्ट करनी है, केबल्स लगानी है यहाँ पे। अभी ये हमारे पास एक फ़ोटो सेल भी है, ये वाइट कलर में है और ये भी KL कंपनी का है। तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। यहाँ पे केबल इंसर्ट करती हैं इसकी यहाँ पे, और ये इसका टाइमर सर्किट है। तो अभी ये इसको अब मैं ओपन करके आपको चेक करवा देता हूँ। इसका इंटरनल सर्किट भी, इसके अंदर LDR एक लगा हुआ है, ये भी हमने ओपन किया है। तो ये एक इसके अंदर रजिस्टर टाइप चीज़ लगी हुई है जिसको LDR कहते हैं, जिसका लाइट के साथ ताल्लुक होता है। यहाँ पे इसकी केबल्स लगाते हैं, अभी ये देख रहे हैं आप सिंबल इसके अंदर तकरीबन बना हुआ है फोटो सेल का। ये KL कंपनी का, ये भी है सेम FTG मॉडल का है। ये आप घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आपको अंधेरे में कोई सर्किट ऑफ करवाना और लाइट पे ऑन करवाना हो, तो यहाँ पे ये रिले और इसका फ़ोटो सेल इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम ये लाइट्स के साथ लगाया जाता है। अभी इसको कनेक्शन करके हम इसको प्रॉपर चेक करवाते हैं आपको। तो अभी ये देख रहे हैं आप वीडियो में कि हमने इसको पावर के कनेक्शन और ये G12 पे ये फ़ोटो सेल लगा दिया इसका। ये फ़ोटो सेल के अंदर भी केबल्स लगा दिए हैं और ये लाइन पे रेड केबल और न्यूट्रल पे येलो केबल लगा दिए। एक दो पे हम इसकी कॉन्टैक्ट हैं तो वहाँ पे हम एक लाइट का अरेंज करके लगाएंगे। जब ये हमारे पास एक टेस्ट लैंप या हैंड लैंप इसको कहते हैं, ये भी हम इसको लगाएंगे, इसके कनेक्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके कनेक्शन किस तरह करने हैं। यहाँ से इसके न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे और एक दो पे फेज़ गुजार के इसको कॉन्टैक्ट के ज़रिए ऑन ऑफ करवाएँगे। यहाँ पर इसका फेज़ दे देंगे, ये भी मैंने कनेक्शन किए हैं। ये देख रहे हैं आपके न्यूट्रल मैंने ये येलो के साथ इसकी अटैच कर दी है और ये एक ब्राउन केबल जो है एक नंबर पे लगा दिया है और दो पे ये बल्ब की ये देख रहे हैं एक नंबर पे ये ब्राउन केबल फेज दे दिया इसका। ये G12 पे ये लाइट सेंसर लग गया है और दो पे इसकी बल्ब की केबल लग गई है। तो अभी हम इस सर्किट को ऑन करेंगे, पावर एनर्जाइज करें इसकी। ये पावर एनर्जाइज सर्किट हो गया है। तो जैसे ही हम इसको अंधेरा या लाइट से ख़त्म करेंगे, इसकी कोई काला कपड़ा या कोई चीज़ इस पे रखेंगे, तो ये लाइट को टाइमर की मदद से कोई टाइम के बाद ऑन करवा देगा। ये हमारे पास काला कपड़ा मौजूद है। अभी हम उस फोटो सेल की रेजिस्टर को चेंज करने के लिए इस पे अंधेरा सप्लाई अप्लाई करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये मैंने रखा है तो ये इसकी रिले ऑन हुई है। ये कुछ टाइम के बाद ये इसका सर्किट ऑन हो गया है और इसने ये हैंड लैंप या टेस्ट लैंप बल्ब को ऑन करवा दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ से इसको काले कपड़े को उठाएंगे तो दोबारा फोटो सेल पे लाइट पड़ेगी, जो कि कुछ देर के बाद ही इस सर्किट को ऑफ़ करवा देगा और हमारा कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा और लाइट ऑफ हो जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने कपड़ा उठाया तो ये ऑफ़ हो गई। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।